Today, we will start exercise 14C. That is based on equation of a line. How to find the equation of a line? Equation of a line. Chapter ka naam bhi ye hai na? Yes, sir. Abhi tak humne kiya tha slope. Ki slope kaise find karte hai, hai na? Now, we have equation of line. Sabse pehle to bache x-intercept and y-intercept. x-intercept and y-intercept समझो क्या होता है. x-intercept the distance, मतलब जहां पे x-axis को कोई line cut कर रही है, ये है मान लो, यहां पे cut कर रही है on x-axis, किसकी value zero होती है, y की ना, तो इसके coordinate क्या होंगे, x comma zero की form में होंगे ना, yes or no? Yes. Yes, sir. और वाई एक्सिस पे बच्चे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो कॉमा वाई हमेशा ऑलवेज एक्स पहले नंबर पे आता है, वाई सेकंड नंबर पे आता है. ओरिजिन से जो ये वाला डबल मैंने किया है अभी, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे कोई लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को, एट दैट पॉइंट जो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, distance of point from origin. Origin से y-intercept ये होता है बच्चे, this is distance of point from origin, ये भी same, मतलब वो x-axis पे और ये y-axis पे, जहां पे line का graph है, जो इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है ना, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है एट दैट पॉइंट जो डिस्टेंस ओरिजिन के साथ है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, और जो जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है बच्चे एट दैट पॉइंट इंटरसेप्ट वाला ही देखते हैं बस. हाँ जी, ये अब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. अब देखो स्लोप का एक नाम और है, दैट इज ग्रेडियंट. स्लोप को और क्या बोल देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट. ओके, अगर ग्रेडियंट भी लिखा है तो उसका मीनिंग स्लोप ही है. अंडरस्टूड? जो सबसे पहली टाइप है उसमें क्या लिखा है बच्चे, व्हेन स्लोप, एक तो स्लोप गिवन हो, क्या गिवन हो स्लोप, और दूसरा क्या गिवन हो y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मतलब ये वैल्यू y की, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एट दैट टाइम. बच्चे इस जो इंटरसेप्ट है उसको c से डिनोट कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट को c से डिनोट कर लेते हैं. अंडरस्टूड? y इंटरसेप्ट की वैल्यू को किससे नोट कर लेते हैं, c से. एट दैट टाइम हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है. m क्या है, स्लोप, पहले किया था हमने, m स्लोप को m से नोट करते हैं ना. यस सर. y रहेगा sir. m की वैल्यू, यहाँ स्लोप हमें गिवन होगा वो फिल कर देंगे, y इंटरसेप्ट गिवन होगा वो फिल कर देंगे, तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज, सपोज ये वैल्यू बच्चे 4 है, मतलब सी की वैल्यू 4 है, स्लोप एम हमें गिवन है, कुछ भी ले लो, 2 दे दिया है या √2 दिया है या 1 दिया है, कुछ भी दिया है, वाई एम की वैल्यू 2 फिल कर देंगे इसमें, 2x प्लस सी 4, ये इक्वेशन बन जाएगी लाइन की. आई समझ? यस सर. लग गया बता सर, सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट बच्चे, ये देखो लिखा तो है. ओके सर, y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं. अब सेकंड टाइप है जो, उसमें क्या है, व्हेन द स्लोप ऑफ लाइन एंड ए पॉइंट इन इट आर गिवन. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप क्या होती है, जो एंगल होता है ना. अब स्लोप ऑफ लाइन एंड ए पॉइंट ऑन इट आर गिवन, कोई पॉइंट है इस पे, p यहां पे ले लिया मैंने, स्लोप m गिवन होगा, सेकंड टाइप.
साइड का दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा अब? ठीक है, यस सर। कुछ नहीं लिखा था वहां पे, स्लोप गिवन हो। और दूसरा, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट जिस लाइन की स्लोप है, स्लोप उसी लाइन की होगी जो लाइन गिवन है। एंड एनी पॉइंट ऑन स्लोप, सॉरी लाइन, पॉइंट ऑन लाइन गिवन हो। यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, एक्स वन वाई वन ले लिए। ओके, तो यहां पे बच्चे वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू पता होगी, एक्स वन की वैल्यू पता होगी, स्लोप हमें गिवन होगा, किसके इक्वल, एम एक्स माइनस एक्स वन। सपोज हमें बच्चे थीटा 45 गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये थीटा 45 गिवन है, तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं ना, एम किसके इक्वल, टेन थीटा के, इन टेन 45 वन आ गया, स्लोप की वैल्यू वन आ गई, मतलब एक तरह से स्लोप गिवन है, इंक्लिनेशन दिया है, एंगल दिया है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, एम की वैल्यू वन, यहाँ पे कोई पॉइंट है इस पे पी, उसके कोऑर्डिनेट है सपोज 2, 3, ये पॉइंट दिए हैं, दीज आर टू बी टेकन एज एक्स वन वाई वन ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, 3, इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 1, x माइनस एक्स वन 2, इसको सॉल्व करो, y माइनस 3 इज x माइनस 2, इस साइड ले आओ जाए उस साइड ले जाओ, x y को इस साइड ले आया मैं, 2 को इस साइड ले गई, माइनस 1, ये जो इक्वेशन बन गई दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। समझे कि मतलब उस लाइन पे कोई पॉइंट गिवन है और थीटा गिवन है या स्लोप गिवन है, जैसे मर्जी लगा लो, एट दैट टाइम वी कैन फाइंड एज लाइक दिस वन, इस तरह से बच्चे हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो लाइन के ऊपर, दो पॉइंट्स गिवन हो और कुछ ना दिया हो, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, देन हाउ वी कैन फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप। यस गरिमा, हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप? सर स्लोप फॉर्मूला क्या था जब दो पॉइंट्स में से पास करती है स्लोप का, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This one is a slope. Yes or no? Yes. ठीक है, स्लोप आ जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, what we can do? चाहे तो बच्चे जो अभी हमने किया था, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब दोनों में से चाहे x2 y2 ले लो, यहाँ पे y2 वो ले लो, चाहे चाहे y1 x1 ले लो, अंडरस्टूड? यस सर। समझे? यस सर। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, जब दो पॉइंट्स में से, मतलब है वही चीज, स्लोप फाइंड करनी है, उसके बाद उस फॉर्मूला में फिल करना है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14C। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को हंसिका किससे डिनोट करते हैं? सर आपने लास्ट पॉइंट नहीं बताया। क्या बच्चे? सब पेज 196 इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड लाइंस, तो एट दैट टाइम बच्चे मतलब जो स्लोप है एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वही होगा ना, कोई बात नहीं, समय आएगा तब करेंगे। अंडरस्टूड? इक्वली इंक्लाइंड लाइंस मींस द लाइंस व्हिच मेक इक्वल एंगल विद बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे बच्चे। यस समझे?
yes, कोई बात नहीं, आ जाएगा जब जब आएगा उस टाइम करेंगे. y इंटरसेप्ट हमें गिवन है. हंसिका, y इंटरसेप्ट को किससे नोट करते हैं हम? The c. c मतलब c की वैल्यू गिवन है फर्स्ट सम के अंदर. टू स्लोप, कनिष्का स्लोप को किससे नोट करते हैं? m से. स्लोप को किससे नोट करते हैं? m से. m की वैल्यू कितनी दी है हमें? 3. इक्वेशन ऑफ लाइन, शौर्या क्या फॉर्मूला था फर्स्ट इंटरसेप्ट? शौर्या यस सर. व्हेन y इंटरसेप्ट एंड m स्लोप. मेरा सिर सर से पूछा क्या है मैंने? सी मतलब y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है. एट दैट टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? फर्स्ट टाइप थी जो y इज इक्वल टू mx प्लस c. याद रखना ये चीज शौर्या. यस सर. तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा पहले तो ये बता. यस सर. वीडियो गेम तो नहीं खेल रहा इधर से ऑन करके क्लास को है? नो सर. फिर बच्चे क्या पूछा था मैंने? कुछ भी सिंपल था. पहले डिस्कस किया है हमने सारा टॉपिक कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है जब y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो. यस और नो? यस सर. y एज लाइक m की वैल्यू 3 है, 3x प्लस c की वैल्यू 2. ये इक्वेशन बन गई बच्चे हमारे पास. आंसर इजी है. यस और नो? यस. सेकेंड सम मुझे करवाएगी प्रियांशी. यस सर. वाई इंटरसेप्ट गिवन है मतलब सी की वैल्यू गिवन है -1 एंड थीटा गिवन गिवन है हमें. इंक्लिनेशन का मतलब थीटा. तो सबसे पहले क्या करें अभी बोलो बच्चे? थीटा की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे ना? यस. प्रियांशी आर यू लिसनिंग? यस. स्लोप किसके इक्वल होगी? स्लोप किसके इक्वल होगी बच्चे? फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में किया नहीं था सर? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वाई वन है, ना वाई टू है, ना एक्स टू है, ना एक्स वन है. हमें क्या दिया हुआ है ये? कितना? 45 डिग्री एंगल दिया है ना. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? जब थीटा गिवन हो एट दैट टाइम स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा नहीं थी? यस सर. भूल गई है ना. चलो टेन 45 थीटा की वैल्यू फुल कर दी, 1 आ गई. मतलब स्लोप आ गई हमारे पास कितनी? 1. और सी हमें गिवन है. नाउ प्रियांशी इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स mx प्लस c. यस सेम. y इज इक्वल टू mx प्लस c. y एज लाइक m की वैल्यू 1 है, x एज लाइक प्लस c -1. ऐसे ब्रैकेट में डाल दो. अगले स्टेप में x -1 ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ दो. इसको इस साइड लेके आना, इस साइड ले आओ. दिस इज द इक्वेशन. मतलब है वही चीज सेम टू सेम. फर्स्ट सम और सेकंड सम में डिफरेंस कितना का है? वहां सीधा स्लोप दे दिया, यहां हमने एक स्टेप में स्लोप फाइंड कर लिया थीटा से. आई समझ? यस सर. प्रियांशी समझ आई? यस सर. नाउ वी हैव थर्ड सम. Samriddhi, find the equation of line whose slope, slope ka matlab m ki value given hai, kitni? -4/3. And which passes through -3/4.
माइनस थ्री फोर में से पास कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बच्चे? समृद्धि फॉर्मूला सर एम एक्स प्लस सी. नहीं बच्चे, यहाँ पे सी नहीं है हमारे पास. तूने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोला है ना बच्चे, यहाँ पे m तो है बट c नहीं है ना, तो कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. जब किसी पॉइंट में से पास करती है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, किस पॉइंट में से? माइनस थ्री फोर में से. तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला नहीं था, सेकंड टाइप नहीं थी, सेकंड टाइप का फॉर्मूला नहीं किया था हमने. एट दैट टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 नहीं किया था समृद्धि? यस सर. याद रखना है इसको, ठीक है? मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे रिलेटेड. फर्स्ट सम फर्स्ट टाइप के साथ रिलेटेड हो गया, सेकंड सम भी फर्स्ट टाइप के साथ रिलेटेड हो गया, थर्ड सम सेकंड टाइप के साथ रिलेटेड हो गया. y एज लाइक ये बच्चे x1 और y1 यूज करनी है. y1 की वैल्यू 4, m माइनस 4 बाय 3 गिवन है. x एज लाइक x1 माइनस 3, जैसे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो. y माइनस 4 एज लाइक माइनस 4 बाय 3 एज लाइक, सबसे पहले इस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट को ओपन किया, x प्लस 3 आ गया. 3 को बच्चे ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो. 3 को y से किया 3y. माइनस फोर थ्री जा 12. माइनस फोर को बच्चे दोनों से करेंगे माइनस फोर एक्स माइनस 12. इस साइड ले आओ, थ्री वाई प्लस फोर एक्स माइनस 12 प्लस 12. तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे हमारे पास? थ्री वाई प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गई. माइनस 12 एंड प्लस 12 कैंसल, ये आंसर आ गया हमारा. किसी को कोई डाउट हो बच्चे इस सब में? नो सर. एनीवन? स्वाति समझ आया? यस सर. सदफ सर. निधि अमन? यस. ओके, थोड़ा सा मतलब एक बार समझ आ गया ना ये चैप्टर, बहुत इजी है. उसके बाद फोर्थ सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5 4 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यस बच्चे, व्हाट वी कैन डू? सेम क्वेश्चन नंबर 4. हां जी बच्चे, फर्स्ट वी कैन फाइंड द स्लोप. सर फर्स्ट वी कैन फाइंड द स्लोप. पासिंग थ्रू पॉइंट किस पॉइंट में से पास कर रही है? 5 4 में से. फाइंड द इक्वेशन, सबसे पहले स्लोप. अब देखो ये लाइन ले ली मैंने, पॉजिटिव साइड इस साइड ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल दिया है, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज ही दिया है पहले ऑलरेडी. थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही दिया है ना. स्लोप सदफ किसके इक्वल होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. x1 नहीं है, y1 नहीं है, x2 एक पॉइंट है सिर्फ, x1 y1 है, x2 y2 तो ही नहीं हमारे पास. थीटा है हमारे पास, थीटा तो टेन थीटा नहीं होती. यस सर. टेन 60 कितना आ गया? रूट 3 आ गया. दैट इज द स्लोप. एम की वैल्यू आ गई रूट 3. ये आ गई. अब उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है? पॉइंट पास कर रहा है, जो अपने यहां पे किया था वही चीज आ गई, इसी में फिल कर देना है. नाउ पासिंग थ्रू दिस इज द एक्स वन वाई वन. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन
वाई माइनस वाई वन क्यों क्यों नहीं समझ आ रहा? किसको नहीं समझ आया? खुशी रस्तोगी? यस सर। खुशी जी मुझे एक बात बताओ, एक चीज समझाओ, स्लोप फाइंड करनी आती है? सबसे पहले तो ये बता, डू यू नो हाउ टू फाइंड द स्लोप? स्लोप के हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं फाइंड करने के। एक तो जब थीटा गिवन हो, थीटा मतलब एक्स एक्सिस के साथ होता है वो, एट दैट टाइम टैन थीटा होता है फॉर्मूला स्लोप का। जब दो पॉइंट्स में से पास करे एट दैट टाइम, थीटा ना गिवन हो, तब बच्चे y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है ना? सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। या थीटा गिवन है तो tan tan थीटा दो पॉइंट्स में से पास कर रहा होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं स्लोप का। अंडरस्टूड? यस सर। थीटा दिया था, सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड की tan थीटा, थीटा के प्लेस पे 60 आ गया, थीटा की m की वैल्यू आ गई √3, दैट इज अ स्लोप। स्लोप आ गई हमारे पास, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बच्चे? y माइनस y1 m, क्योंकि एक पॉइंट में से पास कर रही है ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट p 5 4, ये x1 y1 है। यहाँ पे बच्चे y को y रखेंगे, y1 की वैल्यू 4 फिल कर देंगे, m की वैल्यू रूट 3 आई है हमारे पास, x माइनस x1 की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करना है बस, y माइनस 4 is equal to root 3x minus 5 root 3, multiply करना आता है ना root को? Yes sir. Y minus root 3x, 4 उस side जाके plus हो गया, 4 minus 5 root 3. पीछे answer देखना, check करना इसका क्या है। फोर्टीन सी का फोर्थ सम यही है बच्चे, वो आगे उस साइड है, यही दिया है। यस सर। ओके समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। नाउ द फिफ्थ सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस दिस। अब दो पॉइंट्स में से पास करती लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। We have to find the equation of line passing through 0, 1 and 1, 2. सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। अभी अभी दूसरा फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, y2 minus y1 upon x2 minus x1। दो पॉइंट्स जो जिनमें से पास कर रही है वो लिख दूं मैं यहाँ पे 0, 1 and 1, 2। इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है ना? Yes sir। y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 इज 1, नीचे x2 1 माइनस x 0 1 अपॉन 1 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई, मतलब स्लोप हमारे पास 1 आ गई है। अब पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों में से पास कर रही है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, पहले ही ले लेते हैं इसको x1 y1 ले लो, ठीक है। इक्वेशन y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस m इंटू x माइनस x1 होता है ना स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन? यस सर। y एज लाइक y1 की वैल्यू 1, m 1 फाइंड की है, x कितना है सेम, x1 कितना है 0 है, समझे? यस सर। y माइनस x इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। आया समझ? यस सर। अभी बच्चे मेरे दिमाग में एक डाउट है, लाइन तो इसमें से भी पास कर रही है 1 2 में से भी, तो मैं इसको x1 y1 लेके करूं तो चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारी सेम आती है कि नहीं आती। y माइनस y1 इज 2, m 1 फाइंड किया, x माइनस x1 इज 1, y माइनस 2 x माइनस 1, y माइनस x माइनस वन प्लस टू, वाई माइनस एक्स कितना आ गया 1 आ गया, सेम आई है ना? यस सर। मतलब एक्स वन वाई वन चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तुम्हारे पे डिपेंड है कि किसको लेना है, समझे? यस सर। यस सर। लग गया पता?
यस सर। हाँ स्टूडेंट्स काम आए है ना, हर्ष नहीं आया, बॉयज में से सिर्फ अमन भी चला गया है ना सर। टुमारो क्लास विल बी देयर, टुमारो बच्चे मुझे मॉर्निंग में लेनी पड़ेगी। नो सर। क्यों? कितने बजे सर? सुबह नहीं, 9-10 बजे। यस सर। 6 बजे? नो सर। नो सर। नो सर। 2 PM? नहीं सर, 10 o'clock को ले ली। नो सर। चलो मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, अभी अभी डिस्कस मत करो, टाइम ना वेस्ट करो। सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप करोगे इसका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सिक्स्थ सम, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट P एंड 2 R। P के कोऑर्डिनेट 2, 6 हैं, Q के कोऑर्डिनेट -3, 5 हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q आर गिवन। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। Understood? Yes, sir. Gradient yes, मतलब sir. Slope. M. निधि, क्या आएगी इस लाइन की स्लोप? कैसे फाइंड करेंगे? राघव सर, x2 - x, y2 - y1 upon x2 - x1। Yes, very good. y2 की वैल्यू 5 चाहे 6, कोई मर्जी ले लो। क्या ले, 5 ही ले लें। 5 - 6, नीचे -3 - 2, ऊपर -1 आ गया, नीचे -5 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई, m आ गया, स्लोप आ गई हमारे पास। उसके बाद बच्चे पहला पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड, इक्वेशन ऑफ PQ, PQ की इक्वेशन। निधि बोलो बेटा, नहीं खुशी रस्तोगी, बता मुझे फटाफट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, कैसे फाइंड करेंगे अभी? सर वही सेम फार्मूला, y - y1 = m x - x1, स्लोप आ चुकी है, 2 पॉइंट्स में से पास करे किसी को भी x1 y1 ले लो, इसी को ले लो चाहे। अभी इतने सम कर लिए, अब तो होने चाहिए y1 6 m 1/5 x x = x1 2। 5 से बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5y - 30 किसके इक्वल? x - 2 के। 5y x को चाहे इस साइड ले आओ चाहे उस साइड रहने दो, -2 + 30 = 28 लिख दो सीधा। यस इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी थर्ड पार्ट, इक्वेशन आ गई हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। गरिमा सर, सर y विल बी 0 सर, a x कॉमा 0 एट x एक्सिस, y 0 होता है ना। यस yes. ये y की वैल्यू इसमें फिल कर दो इस इक्वेशन में, अंडरस्टूड? जब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पर y की वैल्यू 0 होती है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 फिल कर दो। 5 × 0 - x = 28, 0 - x = -x, 5 × 0 = 0 ही आएगा ना, नो नीड 28। x की वैल्यू क्या आ गई? -28 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? -28 आ गई। समझ नहीं आया थर्ड पार्ट। बच्चे कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे हो वहां पे किस y की वैल्यू 0 होती है ना। यस सर। ये लाइन ये लगा लो कि ये ग्राफ था, ये यहाँ पे कट कर रही है x एक्सिस को। इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन तो मैंने फाइंड कर ही ली सेकंड पार्ट में, ठीक है? यस समझे? वहां पे y की वैल्यू 0 फिल कर दो तो x की वैल्यू आ गई, तो लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट
x की वैल्यू -28, y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे मुझे कट करेगी। ओके सर, समझे? लग गया बता बच्चे? यस सर। किसी को डाउट हो इसमें? स्वाति समझ आया? स्वाति यस सर। तू इतनी लेट क्यों बोलती है सर? वो माइक ऑन में टाइम लग जाता है। अच्छा ठीक है। नाउ द सेवंथ सम। कैसे से कितने क्वेश्चंस करेंगे आज? जितने हो गए 10 तक। 20 मिनट्स पड़े हैं, देखते हैं कितने होते हैं। सेवन सम बच्चे। द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी आर ए एंड बी -3, 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1। इक्वेशन ऑफ ए बी सेम टू सेम है एज लाइक लास्ट सम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। चलो अभी किया था ना, अभी अर्शिया करवा बच्चे मुझे ये कैसे करेंगे। पहला पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 देन -1 ओए y2 की वैल्यू कितनी है? -4 अपॉन 2 + 3। सब कोऑर्डिनेट्स ऑफ br 2, -1 सॉरी -1 ही आएगा बच्चे, वो वहां से देख के बोल रही थी, मैंने कॉपी रॉन्ग कर दिया था। यस -5 / 5 कट किया तो स्लोप कितनी आ गई? -1। हाँ आ गया अर्शिया, अब क्या करें? नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1 y - 4 is equal to -1 × x + 3। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है अर्शिया? ठीक है हाँ जी आगे सर। y + x -3 + 4 1 आ गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हंसिका वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कट कर रही है। सर x विल बी 0 एंड y फॉर y वी विल फाइंड ऑन y एक्सिस। x इज 0 इस इक्वेशन में फिल कर दो, y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो लाइन लाइन कर्स द x एक्सिस एट सॉरी y एक्सिस एट 0 1 क्या आएगा अंशिका? 0 1 इज द आंसर। ठीक है जी, सुन गया। नाउ वी हैव 8 सम। 7 सम्स तक समझ आ गए बच्चे सबको? यस सर। यस प्रियांशी। यस सर। आज दम नहीं है तेरी आवाज में प्रियांशी, जोश नहीं है। गला थोड़ा खराब है। आइसक्रीम खाई थी? नो सर। कि ठंडा पानी पिया था? बता दे नहीं मांगूंगा मैं आइसक्रीम, नहीं मांगूंगा सर। बेबी ड्यू टू वेदर। ओके दिस एंगल इज 45, ये पी पॉइंट है, ये एंगल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 4, यहाँ डी है, दिस इज बी,
ये एंगल 60 है. द फिगर गिवन अलोंग साइड शो टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी. ए ए यानी है या नीचे है, ये सी कहीं मर्जी ले लो, यहां ले लिया. सी डी एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी. 3-4 पे कट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है. सबसे पहले तो स्लोप ऑफ ए बी, भावना. यस सर. स्लोप ऑफ ए बी सर टेन ए इक्वल्स टू 45. टेन 45 बच्चे, टेन 45 यस सर. स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई, 1 आ गई. 1 इसको एम ले लिया मैंने, है ना. यस सर. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख दो. ए बी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. यस. वाई की वैल्यू वाई वन फोर. एम की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है. एक्स माइनस 3 माइनस, यस वाई माइनस 4 एक्स माइनस 3. वाई माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 4. y माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 की. ये ए बी की इक्वेशन आ गई. ऐसी बच्चे मैं इस साइड कर देता हूं साइड पे कि फिगर दिखती रहे. नाउ स्लोप ऑफ सी डी. स्वाति स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल, थीटा गिवन है ना एंटी क्लॉकवाइज. Yes, sir. क्या आएगा बेटा, मैं आगे नहीं चलूंगा स्वाति जब तक बोलेगी नहीं. स्वाति नहीं पता, ये सेम ही है बच्चे. उसका देखो एंगल 45 बन रहा था तो 10-45 स्लोप आ गई. इस लाइन का कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, 60 बन रहा है ना. 10-60 नहीं आ जाएगा 60. तूने मुझे लगता है ना फ्री फायर फिर से खेलनी शुरू कर दी है. नो सर. और एम डैश स्लोप को मैंने एम डैश से, क्योंकि एम से इसकी स्लोप को ले लिया, इसको एम डैश से ले लिया. इक्वेशन ऑफ लाइन बता भी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी बोलो बच्चे. स्वाति बोल बच्चे. यस सर. तू माइक ना ऑफ कर, अभी माइक ऑन रख, माइक ऑन रख अपना. हाँ फिर बंद कर लिया. बोल बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी लाइन किस पॉइंट, पी पॉइंट में से पास कर रही है कि नहीं कर रही. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा, ये सेम सेम फॉर्मूला बच्चे. M कितना फाइंड किया है, M डैश लिख दो यहाँ पे, रूट 3 एक्स माइनस एक्स वन 3 हो जाएगा. ये इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड हो जाएगी. यस सर. y चाहे ऐसे ही छोड़ दो, जिसको इस साइड लेके आने ले आओ, 4 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 3 रूट 3. ये इक्वेशन ऑफ सी डी बन गई. दोनों पार्ट्स आ गए, यही दो पूछे थे बच्चे उन्होंने हमसे. नेक्स्ट वन इज 9th. ट्रायंगल एबीसी गिवन है. ए के कोऑर्डिनेट 3-5 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 7-8 हैं, सी के कोऑर्डिनेट
वन माइनस टेन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स मीडियन थ्रू ए. मीडियन यहां पे इस साइड पे ही होगी ना, बीसी साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे. यस और नो? यस यस सर. शौर्या? यस सर. हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी? टेल मी. फाइंड कर लेंगे. क्या फाइंड करेंगे सर? स्लोप. व्हाट डू वी हैव? स्लोप कैसे फाइंड होगी? किसकी स्लोप? एडी की? यस सर. हाउ? ठीक है बच्चे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास जो हमने ऊपर किया है, बट स्लोप कैसे आएगी ये बता मुझे एडी की. टेल मी फास्ट. डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? यस सर. शौर्या? हाउ? यस सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला. सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से बच्चे? यस सर, वो वन हो जाएगा ना रेशियो. हाँ. क्या होता है सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ए माइनस टेन अपॉन टू. देखो डी के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड किए, फॉर्मूला क्या था? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू. सेवन प्लस वन एट अपॉन टू फोर, एट माइनस टेन माइनस टू अपॉन टू माइनस वन फोर माइनस वन. अब ए डी की स्लोप फाइंड कर. फटाफट बोल कैसे फाइंड होगी? सर माइनस वन माइनस फाइव अपॉन फोर माइनस थ्री, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. देखो एक पॉइंट तो दिया ही था मीडियन का, दूसरा पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया. जिन दो पॉइंट्स में से पास करी है ना मीडियन, इसका मतलब यही हुआ. यस और नो? यस सर. वाई टू माइनस वन, वाई वन फाइव, एक्स टू फोर माइनस थ्री, माइनस सिक्स अपॉन वन आ गया, माइनस सिक्स आ गई बच्चे स्लोप. नाउ इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी. बोलो बच्चे. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी. शौर्या तेरे ही टर्न है. एम एक्स प्लस क्या? एम एक्स प्लस सी. शौर्या फिर से बोलना एक बार, सी कहाँ पे है? यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास. सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है. यस वाई एक्सिस पे लाई करता है वो, यहाँ तो है नहीं. यस वाई माइनस वाई वन. तेरे पापा को फोन करना पड़ेगा मुझे, देख ले. ये चैप्टर इतना लिंक में नहीं रहा मेरा. कोई बात नहीं, लिंक क्या है, अभी हमने एट सम्स किए हैं ना पहले, उसमें yes, भी तो यही चीज थी. यस सर. ये तूने फाइंड कर ली, ठीक है, स्लोप ऑफ एडी आ गई. उसके बाद तो इक्वेशन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है लाइन, तो वाई माइनस, चाहे तो एक कोई भी पॉइंट ले लो इनमें से, इसको एक्स वन वाई वाई वन ले लो, इसको एक्स वन वाई वन ले लो, कोई मर्जी ले लो, आंसर सेम आएगा. वाई वन की वैल्यू माइनस वन, एम स्लोप कितनी फाइंड किया माइनस सिक्स, x x1 कितना है, सॉरी फोर. इसको सॉल्व कर लोगे? किसी yes, को ये सम समझ ना आया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये सम समझ ना आया हो? no, बोलो sir. बेटा no, sir. नहीं आया सर? आ गया ओके okay. Now, अदिति कहाँ भाग गई यार? ऐसे थोड़ा काम चलेगा सर, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा यार. टेंथ, द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी.
गरिमा तेरे को कैसे पता उसका फोन स्विच ऑफ हो गया? सर वो कल बताई थी मुझे, सर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो चार्ज पे लगा के बैठ जाया करे। चलो ये है बच्चे, द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी हुज साइड ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंगल ए 60, एंगल ए कितना है 60 है, वर्टेक्स सी 75 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीसी एंड सीडी, बीसी एंड सीडी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। गरिमा सबसे पहले सीडी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर। सर सीडी की, सर सर वाई माइनस सीडी की, सर वाई माइनस सीडी की, सीडी की जो लाइन, मुझे एक बात बता, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप कितनी होती है? सब वो सर जीरो। श्योर? पक्का? यस सर। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है सबसे पहले, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप कितनी होती है? जीरो होती है, होती है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ सीडी इज जीरो, मतलब एम की वैल्यू जीरो होगी। अब सीडी लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, कर रही है ना, 75 में से। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। वाई एज लाइक एक्स, वाई वन की वैल्यू कितनी है? फाइव। फाइव एम जीरो है, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो जाए, जीरो ही होगा ना, जरूरत ही नहीं है फिल करने की। जीरो इंटू समथिंग एक्स माइनस सेवन लिख भी देगी तो भी जीरो ही आएगा। यस सर जी, जीरो इंटू समथिंग, तो वाई इज इक्वल टू फाइव। ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी बन गई? सीडी की। नाउ बच्चे बीसी की स्लोप कितनी आएगी, यहां पे कर देता हूं मैं, इसके पैरेलल है ना, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। अब इस एडी की स्लोप क्या होगी? टेन सिक्सटी नहीं होगी? यस सर। तो स्लोप ऑफ बी सी भी आ गई हमारे पास 1060। इसको एम डैश ले लो क्योंकि हम इस साइड ले चुके हैं, हम 1060 की वैल्यू रूट थ्री। अब बी सी लाइन भी तो 75 में से पास कर रही है, तो इक्वेशन वही वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही आएगा ना। यस वाई की वैल्यू, यस सर, वाई वन इज फाइव, एम वन रूट थ्री है, एक्स सेवन है, सॉरी एक्स माइनस सेवन। फाइंड कर लोगे? यस यस सर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। किसी को ये सम समझ ना आया हो बच्चे? खुशी रस्तोगी जी कहाँ हो? यस सर, यस सर। कहाँ गायब हो गई थी? सर वो मैं बोल रही थी। नहीं पहले कहाँ चली गई थी बीच में छोड़ के? खुशी यस सर,
कहाँ गायब हो गई थी पहले, बीच में से निकल गई थी बाहर ग्रुप में से? सर वो नेट का कुछ इश्यू था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। चले झूठ बहुत बोलती है तू। नहीं सर। चल कोई बात नहीं सर, 11 को करेंगे, 9 बज गए। ओए चलो ठीक है फिर, टेंशन से एनफ। एक बात और बता गरिमा। यस सर।